नमस्ते नमस्ते, कैसी तबीयत है? बहुत बढ़िया है। अरुण कैसे है वो बता। मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, आपको तो पता है 3-4 दिन में मेरा चक्कर होता है गांव में। हैं भी नौकरी बहुत अच्छी है। लेकिन बाबू जी, आपने नौकरी छोड़ दी? अरे नौकरी छोड़ी नहीं, मैं तो रिटायर्ड हो गया हूँ और सब ठीक ठाक चलता है। पेंशन आता होगा ना? पेंशन भी बहुत आता है। लेकिन तबीयत तो ठीक ठाक है ना? तबीयत तो थोड़ा नरम गरम रहता है लेकिन ठीक है। देखिए बाबू जी, कभी भी ऐसा लगे ना तो आप है ना, या तो मेरा नंबर घर में लिखा हुआ है ना, फोन कीजिए या किसी भी नजदीक की अस्पताल में जाके रिपोर्ट करवाइए, ठीक है? क्यों, कोई नया रोग आया है? अरे रोग की बात नहीं है, बस मौसम बदलता है ना तो तबीयत नरम गरम होती रहती है। हाँ, इसलिए ठीक है। वो तो सही बात। हाँ, है। अब मैं जा रही हूँ, पड़ोस में एक बच्चा बीमार है ना, उसकी जरा रिपोर्ट लिखवानी है। बेटी चाय पी के जा। नहीं नहीं, अभी 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 कुछ नहीं, ठीक है। जय राम जी की। जय राम जी की। जीते रहो बेटा। पाई लगो बाबूजी। जीते रहो बेटा। बाबूजी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तो अच्छा है। आपने चाय पी? नहीं बेटा, चाय नहीं पीना है मुझे। तो हल्दी वाला दूध बना के दो। नहीं, जरूर पड़ेगा तब मांगूंगा, ठीक है? हाँ। तुम बाबूजी के लिए पानी लेके आओ। हाँ। मैं बात करता हूँ। पानी पिला दो। और बाबूजी कैसे हो, तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक है। पैसे की जरूरत नहीं बेटा? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी आप मंदिर नहीं जाते 2-3 दिन से? मंदिर तो अभी जाने की तैयारी कर रहा था बेटा। वो रामू चाचा है ना, वो बोल रहे थे कि बाबूजी आते नहीं है, तो आप हो आए ना? हाँ बाबूजी, थोड़ा मन भी फ्रेश हो जाएगा। कोई बात नहीं। राहुल आप थोड़ा इधर आइए ना। हाँ बोलो ना। मुझे थोड़ा पैसा दीजिए ना। भैया पैसों का क्या करना है अभी? दो ना। पूरा दिन बस पैसे 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 क्या करती हो? अरे दो ना। ये लो 2000 रुपए रखो। राम राम। बाबूजी। हाँ बेटा। ये थोड़े पैसे है, आप रखो, अगर कुछ लेना है ना तो इससे ले लेना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बाबूजी ख्याल रखना। चलो बाबूजी तो मंदिर गए। अरे अकल के अंधे, दिमाग ही नहीं है तुझमें तो। अब मैंने क्या किया? क्या क्या किया? बाबूजी की प्रॉपर्टी है ना, उसके कागजात कहाँ पड़े पता है तुम्हें? नहीं। अरे तो ढूंढो। अरे अपने नाम करवाना है वो। हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बाबूजी तो अब उम्र हो गई है, कब क्या होगा क्या पता। वही तो। ठीक है, बाबूजी मंदिर से आएंगे ना तो उससे बात करेंगे और सारी जो जमीन जायदाद है वो अपने नाम करवा लेंगे। प्यार से बात करना, चिल्लाना मत। चलो ठीक है। अच्छा हुआ ये तुमने मुझे याद दिला दिया, ये बात भी सही है। चलो मैं बाहर से आता हूँ अभी और देखता हूँ कि बाबूजी कब आते हैं, ठीक है? तुम घर का काम कर लो। वो दिमाग में रखना, भूल मत जाना। टेंशन मत लो, अब छोड़ दो मेरे पर, ठीक है? चलो। साला बुड्ढा, खुसड़ बुड्ढा, पूरा दिन दासी बन के तुम्हारे आगे पीछे में घूमती रही, बहुत सेवाएं की तुम्हारी। अभी तो देख जितनी प्रॉपर्टी है ना वो सारी एक बार हमारे नाम पर हो जाए ना, यूं बाहर निकाल दूंगी मैं, यूं। अभी तक बाबूजी क्यों नहीं आए? पता नहीं इतना लेट हो जाएगा। चलो आज तो कैसे भी करके बाबूजी के पास कागजात में साइन करवा ही लेनी है। आगे बाबूजी आइए आइए, देखिए ना क्या गुटर गुटर कर रहे हैं। कुछ नहीं ऐसे ही। बाबूजी आज दोपहर को आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप जो खाओगे वो मैं। नहीं नहीं नहीं, आज तो आप जो बोलोगे ना वही घर में बनेगा। देखो बेटा जिद मत करो, हम तो बूढ़े हो गए, आप जो बनाओगे वो खा लूंगा मैं। ठीक है चलो। बाबूजी। हाँ बेटा। मैं आपसे क्या कहता हूँ, वो जो आपके दोस्त नहीं थे वो रमेश चाचा। रमेश चाचा उनका देहांत हो गया तो, हाँ, वो तो आपको मालूम होगा। लेकिन उनके दोनों लड़कों ने अंदर अंदर इतना झगड़ा किया कि बात ही छोड़ो। क्यों? अरे क्या क्यों, प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने तो कुछ कागजात बनाया नहीं था, बिल नहीं बनाया था, तो इतना प्रॉब्लम हुआ कि दोनों लड़ने लगे और कोर्ट तक पहुंच गए। हाँ, और आखिर में हुआ क्या? क्या हुआ? जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी गवर्नमेंट ले गई। हाँ वो तो सरकार श्री में चली जाते हैं। तो ये रिया क्या बोलती थी कि हमारा जो ये सब प्रॉपर्टी है उसमें
विल बना लिया है आपने? हाँ, और तेरा नाम भी पीछे लगा दिया बेटा। बाबू जी, नाम तो पीछे है ना, फिर आपकी तो उम्र भी हो गई है, कब क्या हो जाए क्या पता। तो ऐसा करो ना कि जो पूरा जो जमीन जायदाद है सब मेरे नाम पे कर दो। वैसे भी हम तो आपका ख्याल रखते हैं, और आपको तो पता है ना कि रिया आपकी कितनी फिक्र करती है ना रिया? हाँ बाबूजी। अरे बेटा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बहू एक काम करो, वो अलमारी में प्रॉपर्टी के जो कागज पड़े ना वो सब लेके आओ। अरे बाबू जी, आप तो कितने समझदार है। तेरी भी बात सही है एकदम। बाबू जी, अगर आपके जैसे पिताजी हर किसी के हो ना, तो किसी को लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरे लिए भी तू बेटा। बाबू जी, ये तो आपका बड़प्पन है। ये लो, ये हमारे जो जमीन जायदाद है ना उनकी पूरी प्रॉपर्टी की फाइल है। तो अभी चलते वकील के पास। चलो चलो, अभी चलते। चलो बाबू जी, संभाल के। मैं समझ गई, आप कोर्ट होकर आइए, मैं तब तक खाना बना के रखती हूँ। देखा ना बाबू जी, कितनी समझदार बहू मिली है। वो भी मेरा नसीब भी बड़ा है ना। चलो बाबू जी, काम हो गया आपका। तो जय राम जी की। जय राम जी की। नमस्ते भैया जी। गिर गया कुछ? हाँ, कुछ नहीं। कैसे हो बेटा? बस ठीक हूँ। कहाँ की सैर करके आ रहे हैं बाप बेटे? नहीं, नहीं। कुछ घर का थोड़ा काम था तो सोचा मैं और बाबू जी होकर आते हैं। अच्छा। चलो मैं चलता हूँ, आप लोग बातें करो, घर पे भी काम होगा। कोई बात नहीं, चलो नमस्ते। ऐसा बहुत खुश था आज आपका बेटा, ऐसा कौन सा काम कर दिया आपने, इतना खुश था? देखो मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, इसलिए सब प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर दी और सर से बोझ हटा दिया। बाबूजी, आपने ये काम करके बोझ हटाया नहीं है और बोझ अपने सर पे डाला है। तेरे कहने का मतलब कुछ? बाबूजी आप बहुत भोले हो। बाबूजी समय खराब है, जमाना खराब है, कल अगर आपके बेटे और बहू के मन में कोई लालच आ गई तो आपको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आपने एक फूटी कौड़ी भी अपने पास नहीं रखी है। देखो बेटी, मेरा बच्चा है ना भगवान राम जैसा है, और बहू भी सीता की तरह है, कुछ तकलीफ नहीं होगी। सही बात है बाबूजी, आज वो लोग आपका ख्याल रखते हैं, लेकिन शायद कल उसका मन बदल भी सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगा वो आपने किया, ठीक है। मैं जा रही हूँ, बाकी तो सब अपनी अपनी किस्मत है, ठीक है। सर में दर्द हो रहा है, बहू को बोलना पड़ेगा। रिया बहू, एक कप चाय बनाओ ना बेटा। क्या कहा, चाय भी नहीं है, दूध मुफ्त में मिलता है क्या? सर में दर्द हो रहा है बेटा। बापू जी, क्या पूरा दिन रिया बोलाओ, कुछ तो समझो। और इस तरह बोलो, और क्या बाबू जी, ये अब निकलो बाहर, जाओ और मंदिर पे जाओ, और वहाँ जो प्रसाद मिलता है ना वो खा लिया करो, दोपहर को घर पे आने की जरूरत नहीं है, समझे आप? सुनो, 3 महीने से आप लोग मुझे तंग करते हो, आखिर आपने सोचा क्या है? बापू जी, आप ये बताइए कि आपने क्या सोचा है, ये पूरे गांव में आप बता रहे हो कि 3 महीने से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं, हमें बदनाम करना चाहते हैं पूरे गांव में? नहीं, मैंने किसी को नहीं बोला, वो गलत बात है। बाबू जी, अब एक काम करो, रोज सुबह उठ के मंदिर चले जाओ, वहीं खाना खा लो और रात को सोने के टाइम घर पे आना, ठीक है? अरे अरे अरे, रुको तो सही, अपनी ये चलती गाड़ी में कभी ब्रेक भी लगाया करो, शाम को भी घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे ओटा खाली होगा, वहाँ पे सो जाना। हाँ, और आपके जूते भी लेके जाओ और जल्दी निकलो यहाँ से, और चाय है ना कहीं बाजार में पी लेना, समझे? हे भगवान, मेरा घर और मुझे बाहर निकालने की बात करते हो? अरे ओ बाबूजी, ये आपका घर था, अब ये घर हमारा है। अभी भी बैठे? अभी जाइए, अभी जाएंगे या फिर धक्का लगवाने के लिए किसी को बुलाऊं? नहीं, मैं चला जाता हूँ। भगवान, कितना नाटक करता है ये बुड्ढा। अरे ओ, अपने जूते भी लेकर जाइए। चलो रिया डार्लिंग, अपना काम तो हो गया। तुम्हें तो पता था ना मैं कितनी परेशान थी, पूरा दिन मुझे खाने का भी टाइम नहीं मिलता था ना। सही है डार्लिंग, चलो अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं,
चलो हम खाना खा लेते हैं। अरे बाबूजी, जयराम जी की। अरे क्या हुआ बाबूजी? यहाँ बैठे हैं वो रोने क्यों लगे हैं? पूरी बात बताइए, क्या हुआ? बेटा, बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन बाबूजी, ऐसा क्या हो गया था कि उन लोगों ने आपको घर से निकाल दिया? सीधी सी बात है, उसका काम हो गया, सब प्रॉपर्टी उसके नाम लिखवा ली, और बेटा मैं उस पर बोझ बन गया, इसलिए उस लोगों ने मुझे निकाल दिया। बाबूजी, आप बहुत भोले हैं। आप नहीं, इस दुनिया में कहीं माँ बाप ऐसे भोले हैं ना, और भोलेपन की सजा भुगत रहे। इसीलिए मैं आपको बोली थी कि थोड़ा बहुत पैसा या जमीन जायदाद अपने नाम रखिए, ताकि ये दिन आपको देखना ना पड़े। लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और सब हंसी में टाल दिया। तूने तो बोला था बेटा, लेकिन अब क्या करे? बाबूजी, अभी भी ये सब ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए जैसा मैं बोलती हूँ ऐसा करना पड़ेगा। तो बोल बेटा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी बात सुनिए। ऐसा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, मैं जाती हूँ, दो दिन में ये सब हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, जय राम जी की। अपना ख्याल रखना। जय राम जी। आजकल के माँ बाप इतने दुखी है ना। बाबूजी से हमारी जान छुटी। नमस्ते। नमस्ते बहन जी, आइए आइए। नमस्ते, कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ। बाबूजी को ये दिखाई नहीं दे रहे? बाबूजी ऐसा ना, ये मंदिर गए हैं, शाम को आएंगे। ठीक है, तो मैं शाम को आती हूँ। लेकिन रुकिए, काम क्या था वो तो बताइए। उसमें क्या है, बाबूजी ने ना बीमा पॉलिसी ले रखी थी। अच्छा। तो उसका समय पूरा हो गया और बीमा कंपनी वाले बाबूजी को 10 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं। 10 लाख का चेक? अरे कोई बात नहीं, वो चेक मुझे दे दीजिए। वैसे भी बाबूजी का इकलौता बेटा मैं ही तो हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, पूरे गांव को पता है, लेकिन ये है ना, बीमा वाले को नहीं पता है ना, वो लोग तो सबूत मांगते हैं। कोई बात नहीं, बाबूजी तो अभी 3-4 घंटे में आ जाएंगे। लेकिन हाँ, दूसरा क्या उन लोगों ने बताया था? हाँ, वैसे ये तो बाबूजी के नाम पे है ना ये जायदाद? नहीं, ये बाबूजी के नाम नहीं है, ये इनके नाम है। हाँ, तो पैसा नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्यों? वो लोग ऐसा कहते हैं कि बाबूजी के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी हो तभी तो ये 10 लाख रुपए उसको मिलेंगे। तुम फिकर मत करो, तुम एक काम करो, कल आना। ठीक है, कल हम बाबूजी का नाम के कागजात भी आपको दिखा देंगे और चेक दे देना तुम। ठीक है, ठीक है बहन जी, नमस्ते। ठीक है, आपके घर में तो लक्ष्मी आने वाली है, मेरा मतलब है 10 लाख रुपए। क्या वाह, क्या वाह, वाह वाह, क्या किए जा रहे हो? बुड्ढा दिन ब दिन टेंशन बढ़ाता जा रहा है, कुछ काम ढंग से करता नहीं है, अब क्या करें? अभी कहीं से भी बाबूजी को ढूंढ कर लाओ। हाँ हाँ, पता भी नहीं है वो बुड्ढा कह रहा था। अरे एक काम करो, मैं अभी जाता हूँ, बाबूजी को ढूंढ के पटा के समझा के फिर से इस मकान के कागजात उनके नाम करवा देते हैं उस वकील के पास जाके। फिर क्या, 10 लाख आ जाएंगे, फिर वैसे ही जैसे किया था फिर से एक बार कर देंगे, उसमें क्या है? तुम श्योर हो ना वो वापस कागजात पे साइन करेंगे ना? अरे सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। चलो अब मैं जल्दी जाता हूँ, तो पूरा इंतजाम करना पड़ेगा। जाओ बाबूजी, ना जल्दी, बाबूजी, बाबूजी। आज पहली बार कुछ खुशी जैसी महसूस हो रही है बाबूजी के नाम से। जब देखो तब दिमाग चिड़िया से बना रहता था, आज पहली बार खुशी हो रही है। बाबूजी जल्दी आइए, जल्दी आइए बाबूजी, जल्दी आइए बाबूजी। क्या और कुछ लिखवाना है? अरे बाबूजी कुछ नहीं लिखवाना है, आप पहले आराम करो। भैया पानी और लेके आओ बाबूजी के लिए। बाबूजी आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या बाबूजी, कितने दिनों से आप घर ही नहीं आए, हमें अच्छा भी नहीं लगता आपके बगैर। रिया जल्दी पानी लेके आओ ना, बाबूजी को प्यास लगी होगी। बाबूजी पानी पी लो, पानी पी लो, आराम से आराम से। बाबूजी अदरक वाली मसाले वाली जोरदार कड़क चाय चाय रहती हूँ। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं पीना है मुझे, बहुत पिलाया चाय। बाबूजी बाबूजी बाबूजी,
बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बाबूजी। कोई बात नहीं बेटा, आखिर तू तो मेरा बेटा ही है ना, माफ कर दिया जा। ऐसे नहीं बाबूजी, आपको अभी भी गलत लग रहा है, प्लीज आप दिल से हमें माफ कर दीजिए। रिये बोलो ना तुम भी। बाबूजी ये जो हमसे गलती हुई थी ना, आज हमें इस बात का बहुत पछतावा है। ये देखिए बाबूजी, ये जो हमारे जमीन जायदाद के सारे कागजात है ना, वो भी हम आपके नाम कर देना चाहते हैं बाबूजी। बेटा आपके नाम पे है वो, सही है। नहीं, नहीं बाबूजी, आपके बगैर हम अधूरे हैं। आपका साया हमारे सर पे रहेगा तो हम वैसे भी खुश ही रहते हैं। बाबूजी ये पूरी मिलकर जमीन जायदाद सब आपकी है, आप ही रखिए। हम आपके बिना बहुत अकेले हो गए। हाँ बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़कर मत जाइएगा प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, उसमें तू राजी है ना? हाँ तो कर देता हूँ। ठीक है जी। नमस्ते बाबू। धीरे धीरे, हो गया काम, हो गया सब एकदम पक्का हो गया। किसी को शक नहीं पड़ा ना? कुछ शक नहीं, और पहले था ये सही हो गया। अब बुलाइए, अब तो बहुत कुछ होगा। बहू बेटा, बहू। जी बाबूजी। मैडम आई है। नमस्ते नमस्ते भैया जी, का है मैडम जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। आगे आगे, हो गया वो काम? हो गया हो गया हो गया। बताइए, ये सारे कागजात बाबूजी के नाम करवा लिए हमने, कल ही करवाया। राजेंद्र पंचाल, हाँ वो मैं। उसका बेटा राहुल। जी मैंने। मैं उसका बेटा राहुल, पूरे होश आवाज में लिख के देता हूँ कि बाबूजी की पूरी प्रॉपर्टी मैंने फिर से उसके नाम कर दी है। हाँ हाँ, मैडम जी वो अब वो 10 लाख का चेक। 10 लाख? कौन सा 10 लाख बेटा? वो 10 लाख वो बीमा लोग ने लिया था, वो जो 10 लाख बता दे इसको, बता दे कौन सा 10 लाख? 10 लाख चाहिए? हाँ तो सुनिए, ये 10 लाख जो है ना, वो है ना बता दे। देखो ये कोई 10-20 लाख रुपए नहीं है, ये सब हमारा और बाबूजी का ड्रामा था। ड्रामा मतलब आप कहना क्या चाहती हो? जैसा तुम लोगों ने किया वैसा हमने किया, क्योंकि कैसी औलाद हो तुम और कैसी बहू हो, अपने बाप को घर से निकाल दिया वो भी जमीन जायदाद के लिए। इसीलिए बाबूजी ने मुझे बताया ना, तो मैंने ये रास्ता निकाला कि इस तरह से सारी जायदाद बाबूजी के नाम से फिर से करवा ले। अब घर से निकलने की बारी तुम्हारी है। बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं, बाबूजी क्या करे, निकाल दे इसको। नहीं, आखिर तो मेरा ही बेटा है। देखा ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तुमने अपना फर्ज नहीं निभाया, लेकिन बाबूजी आज भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हट रहे। बाबूजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दो बाबूजी, माफ कर दो बाबूजी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना प्लीज। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ धनसुख मंडेरी उर्फ बीजू, आपके समक्ष एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो हमारी इस जी सीरीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेंद्र पंचाल, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस जी सीरीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया तमानी, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारी जी सीरीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश तमानी, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारी दिस इज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।